हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी बच्चे नवजात शिशु से लेकर अपने थोड़े थोड़े बड़े होने का सफर पूरा करते हैं तो उनकी माँ स्तनपान को छुड़वाकर उन्हें बोतल से दूध पिलाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उन्हें अपना फिगर भी मेंटेन करना होता है और बच्चे को भी आदत डालनी होती है कि वो स्तनपान की आदत को छोड़ दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय के बाद बच्चे की इस आदत को छुड़वाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चा अगर बोतल से दूध पीता है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि वो आराम से लेटकर अपने आप ही दूध पी सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर ये आदत असहनीय हो जाती है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि 3 से 4 साल के बच्चे भी बोतल से दूध पीते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपके बच्चे 1.5 से 2 साल के हो गए हैं तो आप अपने बच्चों को छोटे ग्लास के अंदर दूध दे सकते हैं, या फिर चाहे तो बच्चों को कटोरी के अंदर भी दूध दे सकते हैं। आपको बोतल से उन्हें दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये, क्योंकि बोतल से दूध पीने से बच्चों की आदत बिगड़ती है, और दूसरी बात ये कि जो भी बोतल से दूध बच्चे पीते हैं उसके आगे रबड़ का प्रयोग किया होता है, जो कि अगर निरंतर चलता रहे तो बच्चों के शरीर के अंदर निरंतर प्लास्टिक का थोड़ा थोड़ा अंश पहुंचता रहता है। आयरन की कमी होती है और खून की कमी बढ़ती चली जाती है। अपने बच्चों को खून की कमी से बचाने के लिए आपको इस आदत को छुड़वाना ही पड़ेगा। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।